गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज पूरा भवरिया गलतपुर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के विषय में बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान को चार भागों में बांटा गया है। उसमें ये सामाजिक विज्ञान में जो चार विषय आते हैं, पहला है इतिहास। इतिहास से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो है भूगोल, भूगोल से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो है आपका नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो विषय है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला इसमें आपको बताया गया है कि इतिहास जो है सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास है उसका, इतिहास का पहला खंड जो है, खंड का नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं। अब उस खंड के अंतर्गत पाठ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला जो खंड है आपका, उस खंड में दो पाठ आते हैं। पहला पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जो पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड का नाम है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज। उसमें जो तीसरे पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पाठ चार जो है औद्योगिकरण का युग। जो खंड आपका तीसरा है, तीसरे का नाम है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। उस खंड के अंतर्गत जो पाठ पांच का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया विज्ञान में आता है, वह है भूगोल। भूगोल में, भूगोल से जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका इसका पाठ्यक्रम क्या है जान लीजिए। भूगोल में, भूगोल का जो पहला पाठ है उस, वह पाठ है संसाधन एवं विकास। आप लोगों को पाठ एक में बताया जाएगा संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं एवं विकास कैसे हुआ। जो दूसरा पाठ है, दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। दूसरे पाठ में वन के विषय में एवं जीव जंतुओं के विषय में बताया जाएगा। जो तीसरा पाठ है, तीसरा है जल संसाधन। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो आप लोगों को जल के विषय में बताया जाएगा। चौथा जो है कृषि। हमें आप लोगों को जो है जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हम आप लोग भोजन को, भोजन का दैनिक उपयोग करते हैं, इसी के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। पांचवा जो पाठ है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज किसे कहते हैं तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में बताया जाएगा। जो छठवां पाठ है वह है विनिर्माण उद्योग। उद्योगों के विषय में बताया जाएगा, उसका निर्माण कैसे हुआ है। अगला पाठ है पाठ सात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। आप लोगों को जो इतिहास में जो 20 अंक के प्रश्न बताए गए हैं उसमें 20 अंक में 5 अंक का जो है नक्शा आता है और 5 अंक से भूगोल में नक्शा पूछा जाता है। ये आपका भूगोल का सिलेबस।